नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा, परिणाम 11 मार्च को। देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 4 फरवरी से 8 मार्च तक कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों के लिए 7 चरणों में, मणिपुर की 60 सीटों के लिए 2 चरणों में तथा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक एक चरण में चुनाव कराने की सोमवार को घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव तिथियों की घोषणा करते हुए कहा कि मतदान के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही पांच राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में मतदान 7 चरणों में 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को होगा। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में चुनाव होगा। गोवा और पंजाब में 4 फरवरी तथा उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटों, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 सीटों के लिए चुनाव होगा। पांचों राज्यों की 690 विधानसभा सीटों के लिए 16 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल सीटों में से 133 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार कुल 1,85,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो वर्ष 2012 की तुलना में 15% अधिक है। इस बार कुछ मॉडर्न पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक मतदाता सहायता बूथ बनाया जाएगा। कुछ मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी। बूथ पर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम के लिए कंपार्टमेंट की ऊंचाई बढ़ाकर 30 इंच कर दी गई है। डॉक्टर जैदी ने बताया कि लगभग 100% मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। जो कुछ मतदाता बचे हुए उन्हें भी समयबद्ध तरीके से जल्दी ही ये पहचान पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को एक रंगीन मतदाता निर्देशिका दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें बनी होंगी। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम राशि 28 लाख रुपए, जबकि मणिपुर और गोवा में यह राशि 20 लाख रुपए होगी। चुनाव खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने चुनाव में चंदा लेने एवं प्रचार में व्यय भुगतान के लिए 20,000 रुपए से अधिक के नकद लेन देन पर रोक लगा दी है। उम्मीदवारों को इसके लिए चेक, ड्राफ्ट या अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों पर। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा, जरूरत पड़ी तो आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा, चुनाव में धर्म, जाति और संप्रदाय के इस्तेमाल संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले से आयोग के हाथ हुए मजबूत। अमेठी में एक ही परिवार के 6 बच्चों सहित 11 लोगों की हत्या से सनसनी। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ने देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, उत्तर कोरिया परमाणु मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।